भारती मैम अगर जुड़ चुकी हैं सेशन में तो हाँ मोनिका, मैडम वी एंजॉयड द डिस्कशन आल्सो. थैंक यू मैम. सो लेट मी वेलकम आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर भारती. शी इज विद अस टू टेक अस थ्रू एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज. शी विल बी गाइडिंग अस थ्रू ऑल दीज थिंग्स ड्यूरिंग दिस सेशन. आई वेलकम यू मैम फॉर दिस सेशन एंड ओवर टू यू. थैंक यू मोनिका. डॉक्टर मोनिका, आप समांथा के साथ लिंक शेयर कर दीजिए. एडिटिंग उसको शेयरिंग स्क्रीन का राइट दे दीजिए. शी विल बी शेयरिंग माय पीपीटी. राइट. थैंक यू समांथा, आप अपना एक बार अनम्यूट करके बोलिए तो आपको राइट दे देंगे. आलोक, आप प्लीज. यस मैम. आलोक समांथा को शेयरिंग राइट्स दे दीजिए, को होस्ट बना दीजिए. आलोक, इफ यू कैन हियर मी, समांथा को होस्ट बना दीजिए. समांथा, हाँ, ओके, यस, थैंक यू. समांथा, शी इज गिविंग यू द को होस्ट राइट. यू कैन नाउ शेयर योर स्क्रीन. श्योर मैम. ओके. So, over to you, ma'am. Thank you. Thank you. So now I have time exactly 40 minutes. I'm stretching 10 minutes beyond. So I'll be coming in between you and a cup of tea. So, इससे पहले कि हम शुरू करें, yes, accessible digital resources. Can you write in the chat box what it could be all about? What this session would be all about? Ma'am, a small indication that we have all the eastern and western states in this program. So Hindi would be slightly preferable or bilingual. ठीक है. तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि सुगम्य डिजिटल रिसोर्सेस क्या होते हैं? Yes, including special kits. साधना जी कह रही हैं. OER काफी ज्यादा लोगों ने कहा है. ऐसे संसाधन जो आसानी से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो, MOOCs, when anyone can see and use digital material, जिनको इजीली से हम एक्सेस कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं हम. वीडियो, OER, डिजिटल मटेरियल, ये डेफिनेटली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस हैं, है ना. लेकिन आप ये बताइए, अभी जब मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया, thank you so much for all your responses, textbooks that we all can access, including special child simulation, Diksha app learning material. तो मोनिका को इंटरवीन करना पड़ा, उसको उनको बताना पड़ा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन हैं. तो ऐसा क्यों क्यों कहना पड़ा उन्हें? Yes, like बरखा. ग्लैड टू नो मनीषा वर्मा जी कि आप बरखा से फेमिलियर हैं. जी गरिमा बत्रा, अनम्यूट करके बोलिए, बट प्लीज बी ब्रीफ. श्योर मैम. मैम, इट हैज बीन सेड सो दैट द पीपल हु इन व्हिच स्टेट हिंदी इज यूज्ड, दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट हैज बीन सेड एंड यू वर इंटरव्यूइंग मैम. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. सो इसका मतलब कि भाषा के संदर्भ में भी सुगम्यता या एक्सेसिबिलिटी के मायने हैं, है ना. डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट स्पेशल नीड्स आल्सो. सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो एक्सेसिबिलिटी नीड्स टू बी लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. वन ऑफ द एंगल कुड बी दिव्यांगता और स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी. अनदर एंगल कुड बी लैंग्वेजेस, बिकॉज as you know, India is linguistically diverse. We have more than 1700 languages belonging to 5 language families, and we have 22 scheduled languages. And on top of it, nowadays, after NEP 2020, the highlight is also on Indian Sign Language. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद बहुत ज्यादा ध्यान भारतीय सांकेतिक भाषा पर भी दिया जा रहा है. और ये भी कहा गया है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि जो भी कंटेंट बनेगा वो सभी भाषाओं में बनेगा। और एमएच सोमनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जियोग्राफिक डाइवर्सिटी भी है। तो जब हम सुगम्यता की बात करते हैं, हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो दिस हैज टू बी इन ऑल द लैंग्वेजेस, दिस हैज टू बी फॉर एवरीवन, दिस हैज टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, इट हैज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि सरलता से उपलब्ध हो, निःशुल्क हो, सभी भाषाओं में हो, सभी विशेष आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। और ये सारी बातें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैराग्राफ 23.6 में दी हुई हैं। इसके साथ ही 23.6 और 24.4 एफ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी दिया गया है कि दीक्षा और स्वयं को भी सभी के लिए सुगम्य बनाने की जरूरत है, और उसमें एंड यूजर रेटिंग का भी प्रावधान किया जाएगा, और सिमिलरली स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म पर भी हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और हम वर्चुअल लैब्स की भी इसमें बात की गई है। सो आपको ये जानकर खुशी होगी कि दीक्षा पर ऑलरेडी हमने वर्चुअल लैब एम्बेड कर दी हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहता है तकनीकी के उपयोग और उसके एकीकरण के बारे में। और जब तकनीक के उपयोग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग आजकल कोडिंग की बात कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मशीन लर्निंग की बात कर रहे होंगे, स्मार्ट बोर्ड, ब्लॉक चेन, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, टैबलेट्स, जो 8-10-12 साल पहले बहुत लगता था कि पता नहीं कोई एग्जॉटिक सी डिवाइस है जो आसानी से उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आजकल तो हर घर में पाई जाती है टैबलेट, स्मार्टफोन्स भी हमारे इतने हाई कैपेसिटी और हाई एंड वर्जन के आए हुए हैं। तो ये सब हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया, और जहाँ पे हमने 880 लिखा है तो यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की भी बात की गई है। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती हैं? असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत सरल सी एक ये चीज भी हो सकती है। अब आपके और मेरे पास अक्सर पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पर अगर मुझे दिखाई ही नहीं देता और वो डॉक्यूमेंट मुझे पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी? या तो मुझे उसका ऑडियो फॉर्मेट मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा डिवाइस हो, ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो टेक्स्ट टू स्पीच कर दे, ताकि नहीं देख पाने के बावजूद भी मैं वो पीडीएफ पढ़ पाऊं। कभी आपने सोचा है वो ब्लाइंड लोग जो देख नहीं सकते वो कैसे स्मार्टफोन को इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं? आपके मेरे सबके स्मार्टफोन में एक फीचर होता है जो है एक्सेस सेंटर का या ईज ऑफ एक्सेस का, वो हमारे लैपटॉप्स में भी होता है। अगर आप उसे एक्टिवेट करेंगे तो वो आपको स्क्रीन रीडर्स तक लेकर के जाता है, और कई बार इनबिल्ट होता है, कई बार आपको थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो एक काम करते हैं, मुझे 30 सेकेंड का ब्रेक दीजिए, आई बी जस्ट हाँ सॉरी अबाउट इट। सो मैं कह रही थी कि हमारे पास स्क्रीन रीडर्स हो तो हम स्मार्टफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लाइंड लोग करते भी हैं। एक बहुत छोटी सी सरल सी चीज आपको और मुझे कई बार पढ़ते वक्त भी लगा होगा कि काश, खाना खाते वक्त भी शायद मैं टेप रिकॉर्ड कर लूं अपने आंसर। सो मैं यूजुअली करती भी थी जब मैं कॉलेज के एग्जाम्स दे रही थी या कुछ कर रही थी, तो मुझे लगता था ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी ना, तो ऑडियो रिकॉर्डेड अपनी ही वॉइस में आंसर्स या थ्योरीज या मेन पॉइंट्स या नोट्स में रिकॉर्ड करके प्लेबैक करती थी, ताकि वो रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। तो इसका मतलब खाली टीटीएस या टेक्स्ट टू स्पीच या प्रिंट टू ऑडियो सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नहीं है। आप और मैं जब वॉक के लिए भी जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? ऑडियो बुक्स हो हमारे साथ, है ना, हम सुनते हुए जाते हैं, हम गाने सुनते हुए जाते हैं, तो वी ऑल्सो एंजॉय ऑडियो इनपुट्स। So, उसी तरह से आप ही के लैपटॉप में, आप ही के डेस्कटॉप में एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एज,
माइक्रोसॉफ्ट एज में जब आप कोई पीडीएफ खोलते हैं तो वो आपको ये सुविधा देता है कि आप उसको पीडीएफ टू ऑडियो में आप उसका इनपुट ले सकते हैं। तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज आपके सिस्टम में है कि नहीं है, नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं उसका फ्री वर्जन। और सेक्शन 23 टेक्नोलॉजी यूज और इंटीग्रेशन के बारे में ये भी कहता है क्या कि हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा ऑर्डर डिसरप्ट कर दे, ये कोई नेगेटिव टेक्नोलॉजीज हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज हैं जो एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर में हमें एक साथ बहुत सारे लोगों तक कनेक्ट करने में मदद करती हैं। तो वो हमारी उस लिमिटेशन को डिसरप्ट करती हैं जो कहता है कि आप एक टाइम पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ ही संवाद कर सकते हैं। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की बात भी यहाँ पर की गई है और हायर एजुकेशन लेवल पर भी पीएचडीज एंड मास्टर्स तक भी मशीन लर्निंग की बात की गई है। और ब्लेंडेड लर्निंग क्या, कि कुछ सेशंस ऑनलाइन हो जाएं, कुछ ऑफलाइन हो जाएं, कुछ लेक्चर हो, कुछ हैंड्स ऑन हो जाएं, सो दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। और पेंडेमिक ने हमें सिखा भी दिया है कि हमें कैसे ब्लेंडेड लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग में हमें एक्सपर्ट बना दिया है ना। पेंडेमिक से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि स्कूल हमारा ऑनलाइन होगा। सो हमें खाली सभी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करनी है, इसीलिए हमें सुनिश्चित करना होगा समता मूलक तकनीक का उपयोग। मतलब क्या कि जिसको तकनीक का जितना उपयोग करना है, जैसा उपयोग करना है, हम उसी के अनुसार काम करें। घर में भी होता है ना कि अगर आपको चावल खाने हैं या आपको तड़के वाले चावल खाने हैं तो ऑप्शन होती है ना, चावल उबाल लिए आपने, उसमें तड़का लगा दिया, तो आप सबकी जरूरत के अनुसार काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि तकनीक का जमाना है, तो अगर किसी को टीटीएस चाहिए, टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए, तो हम उसकी भी बात करेंगे। किसी को विजुअल स्टिमुलाई चाहिए तो हम विजुअल स्टिमुलाई देंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की बात इतना है। काइंडली रिपीट द मेन टर्म्स इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, सो आई एम डूइंग दैट एंड आई विल ट्राई टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ दिस। नेक्स्ट पर आ जाएं। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 तरह के सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की को पहचाना गया है। और ये कौन कौन से हैं? इनमें से पहला ग्रुप है जेंडर आइडेंटिटीज का। जेंडर का क्या मतलब? जेंडर खाली मेल फीमेल की ही बात नहीं है, जेंडर में ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स कौन? LGBTQ की यहाँ हम बात करते हैं। तो इनकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देने की बात ऐसी NEP 2020 में की गई है। दूसरी आइडेंटिटी है सोशियो कल्चर से रिलेटेड, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी समूहों को पहचाना गया है। से फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज। तीसरी आइडेंटिटी है, ओके सो लेट मी क्लियर हियर, मैं हिंदी में बोल रही हूं पर स्लाइड्स आपकी इंग्लिश में है, सो आई थिंक वी आर कवरिंग बोथ द लैंग्वेजेस। चलेगा मैडम, चलेगा, ठीक है। सो और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेन टर्म्स आपकी मैं इंग्लिश में भी बोलूं। So please keep your eye on the screen as well, all those who want me to speak in English. Achha, now third type of identities is geographical identities, भौगोलिक परिवेश से जुड़ी हुई। तो भौगोलिक स्थितियों में क्या आएंगे? ऐसी स्थितियां जहां पर बच्चे छोटे शहरों, गांव से आते हैं या aspirational district से आती हैं या low performing डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, LPD से आते हैं। सो ये हमारी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर तीसरी समूह को SEDGs के नाम से NEP 2020 में पहचाना गया। चौथा समूह है
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। अब इसमें कौन से लोग आ सकते हैं, कौन से बच्चे आ सकते हैं शिक्षा के संदर्भ में, तो इसमें आते हैं माइग्रेंट कम्युनिटीज, ऐसे बच्चे जिनकी लो इनकम हाउसहोल्ड से जो संबंध रखते हैं, जिसमें बिलो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हो सकते हैं, वल्नरेबल स्थितियों में जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो ट्रैफिकिंग का शिकार हैं, या उन माँ बाप के बच्चे हैं जो खुद ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं, ऑर्फन्स आते हैं, या कई बार आप शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं ना चाइल्ड बेगर्स हैं, या अर्बन पुअर, ये सारे जो समूह हैं ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले समूह में आते हैं। और पांचवा समूह क्या है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई 21 तरह की अक्षमताएं, विकलांगताएं या निशक्तताएं। सो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2016 में हमने 21 तरह की दिव्यांगताओं को पहचाना है। उससे पहले जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में, हम केवल 7 तरह की दिव्यांगताओं को पहचानते थे। तो एक होमवर्क आप लोगों का ये भी रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज तो आप करके देखिए ही देखिए, कोई पीडीएफ खोलिए और फिर कोशिश करिए कि उसको स्पीच ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकें। दूसरा होमवर्क, जरा देखिए कितनी तरह की डिसेबिलिटी कंडीशंस हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उनके नाम लिख करके देखिए 21 तरह की दिव्यांगताओं की स्थितियां हैं। तो अब एज ए टीचर मेरा सवाल ये हो सकता है जो मेरे मन में आए कि क्या मुझे 21 तरह की दिव्यांगताओं से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर डिजिटल कंटेंट बनाना होगा। द क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड एज ए टीचर इज, डू आई हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट इन 21 डिफरेंट फॉर्मेट्स so that I am able to cater to the needs of each and every child that has some or other form of disability recognized in RPWD Act 2016. We'll come back to this question in a minute or towards the end of the session. Samaveshi Shiksha ya Inclusive Education kya hai? Samaveshi Shiksha jaisa screen pe dikh bhi raha hai, as is appearing on your screen, it's a type of, or no, it's a system of education जहां पर हम अक्षमता विकलांगता दिव्यांगता वाले बच्चों को गैर दिव्यांगता विकलांगता अक्षमता वाले बच्चों के साथ एक छत के नीचे बिठा करके पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने सीखने की गतिविधियों को हम आवश्यकता अनुसार बदलाव कर देते हैं, और जिसको जैसी सहायता की जरूरत है हम वो सपोर्ट उस बच्चे को देते हैं समान कक्षा कक्ष में। जैसे अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो आप मुझे ब्रेल में किताबें दे सकते हैं, या मुझे डिजिटल कंटेंट ऑडियो में दे दीजिए। और एनईपी ने क्या कहा कि हम CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, कि हम रेगुलर स्कूल में उनकी स्कूलिंग करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक स्कूल हमारा समावेशी विद्यालय बन जाए। हम इनेबलिंग मैकेनिज्म बनाएंगे, हम सपोर्ट सर्विस इतनी अच्छी देंगे कि दिव्यांग और CWSN की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित ना हो, उनको भी समतुल्य गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। फिर हम असिस्टिव डिवाइसेस देंगे, और केवल डिवाइसेस ही नहीं देंगे, हम सहायक उपकरण ही नहीं देंगे बल्कि उनके प्रति अभिभावकों बच्चों और शिक्षकों को भी हम ओरिएंट करेंगे। पेरेंट्स को ओरिएंटेशन यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि कई बार मैंने ये भी देखा कि बहुत अच्छी सी हियरिंग एड जो कि असिस्टिव डिवाइस है बच्चे को दी गई, लेकिन 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद वो डिवाइस नहीं इस्तेमाल हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसने काम करना बंद कर दिया। काम क्यों करना बंद किया? क्योंकि उसके अंदर की बैटरी रिप्लेस होनी थी, ना पेरेंट को पता है ना बच्चे को पता है, और स्पेशल एजुकेटर का तब तक अगर तबादला हो गया तो उसने भी नहीं बताया। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट दिस डिवाइस इज नॉट बीइंग यूज्ड।
सो इस तरह का इशू ना आए तो इसीलिए ओरिएंटेशन देना भी जरूरी है, एंड दिस अप्लाइज टू डिजिटल एक्सेसिबल रिसोर्सेस एज वेल। बहुत सिंपल से तरीके अगर हम अपनाएं तो हम अपने डिजिटल रिसोर्सेस को एक्सेसिबल बना सकते हैं, और अगर बच्चे की स्थिति गंभीर है तभी हम उसे वैकल्पिक विद्यालयों में भेजेंगे, और टीचर्स के लिए भी हम सर्टिफिकेट कोर्स प्री सर्विस और इन सर्विस लेवल पर हम करेंगे। ये एनईपी में रिकमेंडेशन से। नेक्स्ट आ जाएं। ओके, सो अभी आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे क्या प्रशस्त के बारे में, 21 तरह की दिव्यांगताएं हैं, तो 21 तरह की दिव्यांगताओं के बारे में शायद आप मुझसे भी पूछेंगे, तो मैं 18-19 दिव्यांगताओं से ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी। बाद में कर लें, 5 मिनट बाद, 10-15 मिनट दीजिए। सो मैं भी शायद आपको 15-18 दिव्यांगताओं की सूची ही दे पाऊंगी, 21 की 21 शायद मैं भी नहीं दे पाऊंगी, है ना। तो जब मुझे नाम ही नहीं याद है तो मैं पहचानूंगी कैसे। तो डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट एक बनाई गई है, और ये सिर्फ हैंडबुक की फॉर्म में ही नहीं है, ये एंड्रॉइड ऐप की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हम थोड़ा लिंक पर क्लिक करते हैं ताकि आप बुकलेट तो देख ही लें पीडीएफ फॉर्म में, और इसकी हेल्प से आप ऑल 21 डिसेबिलिटी कंडीशंस को विद्यालय स्तर पर पहचान सकते हैं। अब सुविधा आपको ये भी है कि चाहे तो फिर आप ऐप का इस्तेमाल करें या आप पेपर पेन की हेल्प से कर लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो अगर आप खुद भी देखना चाहें तो आप पीडीएफ देख सकते हैं, एंड एंड्रॉइड ऐप तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर आ गई है पीडीएफ। तो ये कुछ 47 बुक पेजेस की बुकलेट है जिसमें ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है जी मैडम। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इस ट्रेनिंग के दौरान भी अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो बैक टू नाउ पीपीटी, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू अपलोड। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ, गरिमा जी ने हैंड रेज किया। जी गरिमा जी बताएं। मैम, माय ओनली क्वेश्चन इज दैट शुड एवरी टीचर टेक दिस प्रशस्त स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और बिकॉज़ टिल नाउ वी कीप ऑन टीचिंग आवर स्टूडेंट्स इन आवर वे यूजिंग दोज डिसेबिलिटीज, कंसीडरिंग दोज डिसेबिलिटीज व्हिच वी ऑलरेडी नो एंड व्हिच आर वेरी फ्यू इन नंबर। गरिमा जी, आपके सवाल का जवाब ये है, प्रशस्त आपको किसी भी बच्चे को लेबल करने के लिए नहीं कहता है, ठीक है। तो आप इसको कभी भी साल के किसी भी टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके स्टूडेंट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, और फिर वो इंफॉर्मेशन आपके जो असेसमेंट कैंप्स होते हैं ना, जो समग्र शिक्षा के अंडर होते हैं, ब्लॉक लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर, और अगर ब्लॉक और क्लस्टर छोटे हैं तो कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, तो उन असेसमेंट कैंप्स में प्रशस्त की जानकारी आपको साझा करनी है ताकि बच्चे को सर्टिफिकेट अगर जरूरी है असेसमेंट के बाद वहां से मिल जाए। जी, कोई कुछ और भी पूछना चाह रहे थे? थैंक यू मैम, माय प्लेजर। जी चलिए, अभी कुछ और सवाल होंगे तो हम ले लेंगे। थोड़ा सा हरिडली पीपीटी देखते हैं। एक्सेसिबल ई कंटेंट क्या है? अभी सारी बात इसी पर हो रही थी कि सुगम्य ई कंटेंट क्या है। ई कंटेंट क्या है ये तो शुरू के सेशंस में आपको पता लग ही गया होगा। इसमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसको हम कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से एक्सेस करते हैं या उस तक पहुंचते हैं, और
एक अक्षमता या निशक्तता या दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए सुगम्यता का अर्थ है उसे वही अवसर मिलना कि वो जानकारी के साथ उसी तरह से संलिप्त या एंगेज हो सके जिस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें वो अक्षमता या दिव्यांगता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अगर मैंने कोई जोक पढ़ा या कोई कहानी पढ़ी और उसका आनंद उठाया और मैं नहीं देख सकती हूं तो भी इंटरनेट की हेल्प से, किसी डिवाइस की मदद से उस कंटेंट को इतना एक्सेसिबल बनाया जाए कि मैं अपनी अक्षमता के बावजूद, दिव्यांगता के बावजूद भी उस विषय वस्तु का उसी तरह से आनंद ले पाऊं जिस तरह से कोई देख सकने वाला व्यक्ति लेता है या सुन सकने वाला व्यक्ति लेता है, और यह सब मैं स्वतंत्र रूप से कर पाऊं और इसके लिए मुझे किसी की सहायता की जरूरत कम से कम हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक्सेसिबल जब हम बनाते हैं तो हम खाली कंटेंट की बात नहीं कर रहे, हम वेब की भी बात करते हैं, हम डिजिटल दुनिया की भी, उस डिजिटल संसार की भी बात करते हैं, और सामग्री तो ऑफ कोर्स हम बनाएंगे ही बनाएंगे। देन इसी जो ई कंटेंट है उसको सुगम्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक ई कंटेंट गाइडलाइंस भी डेवलप हुई हैं जो CIT NCERT की वेबसाइट पर भी हैं, MOE की वेबसाइट पर भी आपको ये मिल सकती हैं। नेक्स्ट। सो अब एक्सेसिबल बनाना है तो हम ऐसे ही तो नहीं बनाएंगे, इसके भी कुछ मानक हैं और ये मानक किस किस ने दिए हैं, WCAG ने दिए हैं, EPUB के हैं और DAISY के हैं। DAISY क्या है? DAISY डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एंड दिस इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन एंड पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि ऑडियो, सिंपल ऑडियो और DAISY में क्या अंतर है, तो याद कीजिए आप और मैं शायद उस एरा को बिलोंग करते हैं जब हम कैसेट्स में अपना मनपसंद गाना सुनने के लिए उसको बहुत बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते थे, और कई बार तो हम पेंसिल या पेन घुसा करके भी मैन्युअली उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करते थे टेप को या बैकवर्ड जाने की। DAISY बहुत इजी नेविगेशन की हमें फैसिलिटी देता है कि जैसे आपने प्रिंटेड किताब खोली, आपको जिस पेज पे जाना है, जिस पैराग्राफ पे जाना है, आप सीधा वहां पहुंच जाते हो। ऑडियो फाइल्स, ऑडियो बुक्स को, ऑडियो इंफॉर्मेशन को ईज ऑफ नेविगेशन के साथ एक्सेसिबल करना, ये DAISY करता है। आगे आ जाइए। अगर आपके मन में ये सवाल है कि नहीं, मेरा तो विद्यालय, मेरी तो संस्था बहुत ज्यादा सुगम्य है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं क्या बदलाव करूं, इसकी जानकारी मुझे ये किताब देती है। और ये किताब भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में दीक्षा पर अवेलेबल है। और खाली ये किताब ही नहीं, इस किताब के साथ कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज भी हैं, वो करके आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में मुझे क्या मालूम है। और ये कॉमिक बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, और इसके साथ ही इसे हमने साइन लैंग्वेज एंड ऑडियो फॉर्मेट में भी बनाया है। सो ये एक्सेसिबल है। अच्छा, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है क्या? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पे अभी बहुत बात भी हो गई है और इस पर UNCERPV ने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अगली पर आइए। एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज या ई कंटेंट हमें किन के लिए जरूरी है? इन सारे व्यक्तियों के लिए, जैसे जो बूढ़े लोग हैं या जिनको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज या स्ट्रोक है, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस उनके लिए जरूरी है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस, फंक्शनल डिक्लाइन जिनमें है कि जिनके हाथ पर धीरे धीरे, क्या उनकी दूसरी सेंसेस धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज तो है ही है, लैंग्वेज का कंसर्न और कम्युनिकेशन का कंसर्न तो आपने भी कहा। SEDGs, आई एम सॉरी, इसमें स्मॉल लेटर्स में है, वो हम कैपिटल में कर लेंगे पोस्ट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन पे आ जाइए।
अब सही सहायक तकनीक या असिस्टिव टेक्नोलॉजी आप कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपको आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो तकनीक जो आप सोच रहे हैं ये चाहिए, क्या वो सरलता से उपलब्ध है कि नहीं है, क्या वो बहुत फैंसी है, बहुत हाई एंड है, उसके लिए जो और जरूरी सुविधाएं हैं वो मेरे आसपास उपलब्ध हैं कि नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि मैं फरारी तो ले लूं पर मेरे पास रोड्स ना हो, तो फरारी लेकर के मैं क्या करूंगी, राइट? तो उसी तरह से हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का चयन करते वक्त हमें 5A और Q पर ध्यान देना है, उपलब्धता, सुगम्यता, अफोर्डेबिलिटी की खर्चीली बहुत ज्यादा ना हो, अडेप्टेबल हो कि हम उसको सरलता से समायोजित कर सकें, अनुकूल कर सकें, एक्सेप्टेबिलिटी भी हो कि जिसके लिए ले रहे हैं क्या वो उसका इस्तेमाल सरलता से कर पाएंगे। ये एक्सेप्टेबिलिटी का इश्यू बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने बहुत अच्छे वाला स्मार्टफोन अपने 80-year-old फादर के लिए ले लिया, पर अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो ये इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहा, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी की बात। और फिर प्लस क्वालिटी, क्वालिटी में हमें कोई कंट्रोल नहीं करना है। ये वाला जो स्क्रीन है इसका मैं चाहूंगी कि आप लोग स्नैपशॉट ले लें। इसमें कुछ एप्लीकेशन लिस्टेड हैं। यस, आई कुड हियर कि कुछ लोगों ने क्लिक किया है पिक्चर। तो उसके की फीचर्स दिए हुए हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेबिलिटी दी है कि किस डिसेबिलिटी एरिया या दिव्यांगता के लिए ये उपयोगी होगी, और वर्जन दिया है कि फ्री है कि नहीं है, और पेड वर्जन का भी एडेड है। सो फ्री वर्जन पहले थोड़ा ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे इसमें टैप टैप सी है, या कैश रीडर है, या बी माय आईज है। सो आप एक बार इनको करके देखिएगा जरूर, और कोई दिक्कत आए तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है? नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट भी हम अभी छोड़ेंगे, अगले पर आइए। एग्जाम्पल्स भी छोड़ देंगे, हम उस स्लाइड पर जाएंगे जहां पर हमने टेक्स्ट बुक का पेज लिया है। ओके, इसके आगे नहीं, पीछे जाइए, एक स्लाइड पीछे जाइए, वही ट्री, इससे पीछे, इससे पीछे, हाँ, हैप्पी चाइल्ड। अब ये हमारी क्लास वन की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का एक यूनिट है। इसमें आप QR कोड देख सकते हैं। जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो यही वाली पोएम आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस इस पोएम से संबंधित तक लेके जाती है, जिसमें ऑडियो और ISL वीडियो हो सकते हैं, है ना? अब लेकिन ये वाली लेसन अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप और मैं टीचर एजुकेटर्स हैं और हम लोगों में से कुछ टीचर्स भी हैं, तो मुझे इसको पढ़ाते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है? जो देख सकता है बच्चा वो तो देख लेगा कि हैप्पी हाउ, हैप्पी चाइल्ड है, एक छोटी सी लड़की है, वो झूला झूल रही है, झूला झूलते हुए द चाइल्ड इज, द गर्ल इज हैप्पी, राइट? अच्छा, अब इसमें है आई हैव अ ट्री, सेकेंड पैराग्राफ, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। पर आप पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ पूरा तो हरा नहीं है ना। अब अगर मेरी क्लास में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, वो कहेगा ट्री तो आपने ग्रीन लिखा है, ये तो ट्री ग्रीन है ही नहीं। तो आपको इस कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई करने की जरूरत हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, ट्री का ट्रंक वाला हिस्सा थोड़ा कम दिखा करके ग्रीन वाला हिस्सा ज्यादा दिखाया जाए, या उसको बता दिया जाए। टू शेड मी फ्रॉम द सन, पर पिक्चर में तो मुझे कहीं सन नहीं दिख रहा। तो इस तरह के सवालों के जवाब के लिए भी हमें तैयार होना होगा, समावेशी और सुगम्यता के आधार पर। अच्छा, अब इस पोयम में दो पैराग्राफ्स हैं, हार्डली 8 lines हैं। अब आगे बढ़े, हाँ, अब न्यू वर्ड्स जो लिस्टेड हैं यहाँ पर, सिर्फ 4 new words लिस्टेड हैं, क्राई, डे, रेड एंड सन। लेकिन अगर मैं समावेशी कक्षा के संदर्भ में तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे कंटेंट को भी एक्सेसिबल करना है और डिजिटलाइज करना है, तो मुझे और कौन कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स पर ध्यान देना होगा? रेड ऑलरेडी है, लिटिल छोटा, हाउस, हैप्पी।
अब ये क्या है, हाँ ग्रीन भी देना है, ट्री भी देना है. अब ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनको समझने में जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं या हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है. तो हमें इनको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा. सो जैसे हाँ ग्रीन शेड अंडर, ये तो हमने डिस्कस किया. अब मुझे एक बात बताइए, व्हाइट बैकग्राउंड पर येलो, यस श्रेया जी, व्हाइट बैकग्राउंड पर येलो, ये आसानी से पढ़ा जा रहा है या व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक आसानी से पढ़ा जा रहा है? व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक, व्हाइट पर ब्लैक. तो मैंने ये व्हाइट पर येलो क्यों लिखा जानते हुए भी? ये भी डिजिटल एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट का एक मंत्र है कि कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे इस्तेमाल किए जाएं जो कि सरलता से दिख जाएं. ठीक है, आगे आइए. अच्छा, पढ़ते वक्त द सन शाइन्स इन द स्काई, आई हैव अ रेड पेन. डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दिस एक्सरसाइज इन इंक्लूसिव क्लासरूम हैविंग चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट? सोच के देखिए जरा. ओके, अगली पर आए. इसको आप करके देखिएगा किसी ब्लाइंड बच्चे के साथ में. यस, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड. गरिमा जी आते हैं आप पर भी, पर एक 30 सेकंड का ब्रेक मैं ले रही हूँ और पर मैं जा कहीं नहीं रही. यू कैन सी मी ऑन द स्क्रीन, बट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इस स्लाइड को देखिए. ये हमारी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का एक पेज है. अगर मुझे यही पेज, यही एक्सरसाइज समावेशी कक्षा में सबको करानी है जिसमें ब्लाइंड बच्चा भी है, तो मैं कैसे कराऊंगी? सोचिए जरा. We will have to give maybe a statue, a three-dimensional figure to the child to feel the bigger size and a smaller size. जी सर, बताइए फिर से. Maybe we'll have to give a three-dimensional object as such, okay, for the animal, so that they feel the touch. Yes, that's a good thought. Give three size object or three dimensional object using toys, braille language, by making object embossed, by making model for, okay, perfect. But suppose now I'm taking this in online classes, then what? I'm using sounds. Yes, definitely using sound. Now, yeah. Sir, and Garima ji especially, can you give me a script? How do I record, let's say, the very first example? Because mera jo audio artist hai, wo to main jo likh ke dungi, whatever I'll write, the audio artist will record that. So how do I write the message for recording so that I do not give away the answer? मैम, बाय यूजिंग लाउडर साउंड फॉर बिगर ऑब्जेक्ट. एक बात बताइए, दो बच्चे क्लास में चीख रहे हैं, कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? वॉइस, वॉइस आसान करते हैं. हिप्पोपोटामस की वॉइस दे देते हैं, पपी की वॉइस दे देते हैं, क्या उससे भी पता लगेगा साउंड का? अ स्क्विरल कैन मेक much louder noise than a rabbit. Pitch, ma'am. Pitch. छोटे बच्चे को, क्लास वन के बच्चे को पिच कैसे समझाएंगे सर? मैम,
We can make them clear about with their familiar objects like bigger pencil and smaller pencils. Like, pencil no, if we are online, then students have something which is familiar to that. Exactly. The concepts can be given with the help of familiar objects, but still, sir. Another thumb rule for inclusive classrooms is try not to alter the text or the content. If I am asking 30 children, which one is bigger, a hippo or a puppy? So a blind child, a child with HI, a child with autism, child with ID, need to answer the same question. Otherwise, we'll be creating exclusion within inclusion. क्या मैं एक काम कर सकती हूँ? क्या मैं ये कर सकती हूँ? इस पेज पर चार पिक्चर दी हैं. हर पिक्चर में दो जानवर या दो वस्तुएं हैं. और हम शुरू करते हैं पहली पिक्चर से. पहली पिक्चर में आपको बताना है कि कौन सी चीज या कौन सा जानवर बड़ा है. इस पिक्चर में दो जानवर दिए हैं. एक जानवर हिप्पोपोटामस है. हिप्पोपोटामस की आवाज ये है और हमने आवाज डाल दी. फिर हमने कहा हिप्पोपोटामस आपकी सिर से ऊंचा है, मतलब उसकी लंबाई आपसे बड़ी है. और दूसरी पिक्चर एक पपी की है. पपी की आवाज ये है और पपी आपके शायद घुटनों तक आएगा. तो बताइए जरा बड़ा कौन है? कर सकते हैं हम ऐसा? तो इस तरह की हमने कोशिश की है अपनी मैथमेटिक्स की किताबों को बनाने की. सो क्या किया? यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जो कहता है मल्टीपल मोड ऑफ एक्सप्रेशन, एंगेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, हमने उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो किया है. और ये सारी ऑडियो बुक्स और ISL बुक्स हमारी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. दिस स्लाइड इज अगेन माई वन ऑफ माई फेवरेट जो ये कहती है फॉर मोस्ट पीपल टेक्नोलॉजी मेक्स थिंग्स ईजियर for people with disabilities and special needs. Technology makes things possible. किसने सोचा था कि स्मार्टफोन से हम जो HI बच्चे हैं, HI लोग हैं, जो डेफ लोग हैं, वो भी एक दूसरे से बात कर पाएंगे? हमने ये सोच के तो नहीं बनाया था ना. पर जब आप एक डेफ व्यक्ति के हाथ में फोन देखते हैं और वो वीडियो चैट करके साइन लैंग्वेज में दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, दैट्स सच अ सेटिस्फाइंग फीलिंग एंड इट्स अ हैप्पी फीलिंग. सो हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो सबको साथ लेकर के चले, हमारा कंटेंट ऐसा हो जो सबको साथ लेकर के चले. सो दीक्षा पर हम एक कंटेंट अगर आपको दिखा पाए, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. समांथा करिए कोशिश अगर हम दिखा पाए. हैप्पी चाइल्ड का ही हम ISL वीडियो दिखा सकते हैं. सो उससे एक आइडिया हो जाएगा. जितने समांथा शेयर करती हैं, तो तब तक आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. लूना गुड आफ्टरनून जी. किसी का कोई सवाल नहीं है? मैम मे आई? हाँ श्योर सर, बताइए. या सर अपना नाम भी बता दीजिए और कहाँ से हैं वो भी बता दीजिए. मैंने कौन पूछा था? ओके. I'm from Goa, ma'am. Okay. My name is Joel. The question that I have is, the content examples that we are discussing are more of, you know, things that are can be understood. We're not going into an abstract kind of content. What if I want to explain maybe in mathematics a simple equation, so trigonometry? So the content level is way higher. So okay, it's not about just explaining them big and small.
it's way much more than that. So how do you squeeze that much of content for a child with disability? Yes, that's a very nice question. Sir, tell me one thing. Have you seen Atom? No, I haven't. Atoms at the quantum level in the form of quarks? Has anybody experienced black holes? No. They are all complex concepts. Right? And for that matter, we haven't seen the air as well. We only feel the air. Correct. So we also have our limitations. The only thing is, if you have a glass half filled with water, you just need to change your reference point, whether you are seeing the glass half filled or half. Okay. Okay. Thank you. And since you are in Goa, you can, if possible, visit Bullion Industries in Bangalore. The CEO is blind and maximum workers are blind. And I'm sure there might be many examples in Goa as well. Yeah. ठीक है यस थैंक यू सो एक एग्जांपल देखते हैं सिंस आफ्टर दैट आई विल हैव टाइम टू टेक क्वेश्चंस हां आई एम जस्ट म्यूटिंग मायसेल्फ मैरी गोल्ड बुक 1 टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 1 Page 1, Unit 1. A Happy Child. Enjoy this poem. My house is red, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit, when all my play is done. New words learned from this poem. Ma'am, awaaz nahi aa rahi. Okay, sorry. Better? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes. So yes. This is an example of accessible digital content. So my expectations would be कि जब भी आप content बनाएं और आप लोग बहुत कुछ इस workshop में सीखने भी वाले हैं, so kindly keep in mind, is it accessible for all? So with these words, thank you everyone. If there are no more questions. Or observations? Madam, can I interrupt you before you go? Sure. But I okay. Get. Now see, I usually find that many of the times we talk about inclusive education where the child with special needs, okay, they are supposed to be integrated with the normal students. But why do we have still special schools running around? Again, excellent question, sir. Sir, tell me one thing. If I speak Marathi and I am also aware of English, given a choice, in which school should I be sending my child? Mostly because of English, because of 21st century. Okay. And as a parent, I should have the choice of sending my child to Marathi medium school as well? I'm not sure of that because right now the child has rights. Okay, so here the perception and the choices, it's a matter of choice as well. And in case of special needs, there are many special needs if they lie in the category of SWEAR. We may need special schools as well. Okay. Both type of interventions are needed.
But does it help in the long run? Yes, it helps. And how do the child manage the timing now for this? Pardon, sir? How do they manage the timings? Now, suppose a child has to appear in both the formal education and go to the special schools. Sir, actually, in special schools, children with severe disability conditions, usually they are supposed to attend the special schools. But I have seen special schools for blind, special schools for HI. Why we needed all these schools? Even today, in cities like Delhi, if a parent is seeking admission for his or her child in a regular so-called mainstream inclusive school, and the child has some disability, negative counseling happens lot many times, discouraging the parents to attend the school. This has given rise to opening of special school. And for that matters, for blind and for HI, we may not need special schools. They are the easiest of all disabilities to be included in the mainstream schools. But do we have the open mind? Sir, your expression has said it all. Thank you. This is the reason. Thank you for this question. Thank you, Manisha Dhawanji. Thank you, Ravi Roshanji, for your feedback. And thank you, Garima ji, and resource person from Goa. I'm sorry I couldn't catch your name. I'm Francis Cardozo. Thank you. Thank you so much. So over to Monica if we don't have any other query. Thank you, ma'am. Thank you. This session, I think, went really wonderfully. Everybody sounds to be very engaged, and I was also enjoying the session. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. Thank you, everyone. See, I love talking and any opportunity to talk. Thank you. Yes. Allow me to log out. Sure. That's what teachers do most of the time. Yes. That's why they are teachers. Right. Thank you. Thank you. So now, with this, we will take a 10-minute break because you've not got the break. This session has gone a little long. We'll take a 10-minute break and we'll be back at sharp 4 so that we can start the session. We are delayed slightly, but we can complete if you can join by 4. You don't need to log out. You can simply mute yourself and close your video and take a 10-minute break, and then we will go for the next session. Thank you very much. Alok, please stop the recording.